बढ़िया बढ़िया मैडम, आप ही रुको और आगे आ जाइए। बस 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 वही सही हो, बस वही। तो लाइट नहीं है, थोड़ा आगे आ जाओ ना प्रियंका, थोड़ा आगे आ जाओ ना प्रियंका जी। लाइट क्या पता चलता तुम लोग? बस प्रियंका जी राइट में सेंटर सेंटर चल रहा है, अभी बीच में आई मैं, आप टाइम दे दो। प्रियंका जी यहाँ पर, प्रियंका जी राइट में नहीं देखा, राइट में, राइट में। प्रियंका जी सामने देखो, प्रियंका जी राइट में। बेटा प्रियंका जी डन डन, रुक 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 जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट नहीं हुआ रुकना, लेकिन डन 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 डन। तो आज मैं फ़ोटोशूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फैंस की डिमांड आ रही है कि मैं कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स डालूँ, बस उन्हीं के लिए थोड़े से मैं कुछ ग्लैमरस और अच्छे अच्छे पिक्चर्स के लिए फ़ोटोशूट यहाँ पर कर रही हूँ। सो बहुत जल्दी आपको अच्छे अच्छे पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तकरीबन कितना चेंजेस था एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी भी चल ही रहा है, मैं बस आप लोगों से मिलने यहाँ पर आई, मुझे पता लगा कि यहाँ पर आप सभी आ रखे हैं, सो आई वाज लाइक पहले मैं आप लोगों के पास आती हूँ देन फोटोशूट कंटिन्यू करेंगे। यू नो प्रियंका जी, जब जब फोटोशूट की बात होती है, सो प्रियंका जी का फेवरेट पोज क्या होता है? लाइक वो बार बार ऐसे करने का दिल करता है एंड ये वाला फेवरेट पोज होता है मेरा। एंड योर हेयर स्टाइल इज बेसिकली मैं फोटोशूट जो कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अलग सा ही लुक्स चाहिए, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, लेट्स सी कैसे लुक्स आते हैं, तो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो नो आइडिया। आज के आउटफिट के बारे में बताइए जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जिसके बारे में। तो ये जो आउटफिट है ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मतलब फैशन फोटोशूट जैसा होता है, लुक भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पहना है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे लुक्स हैं जो कि बहुत जल्दी होपफुली पिक्चर्स आएंगे आप सभी के सामने। यू नो बिग बॉस के बाद हर किसी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि नेक्स्ट क्या करने वाली है प्रियंका जी, एंड कुछ एक्टिविटी भी है, आप बताइए। बस नेक्स्ट अभी ये फोटो शूट हो जाए, फिर नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। खबरें तो देखो आती रहती हैं, अब कौन सी खबर सच निकलेगी उसी का इंतजार है मुझे भी, आप लोगों को मुझसे पहले पता लग जाएगा ये गारंटी है। नहीं ये किसने बोला? शिव ने मजे लिए ले लिए आपके। पता नहीं, मैंने शिव के मुंह से सुना था वो मजे ले रहा था, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हम जा सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, अब ये तो नहीं पता, टाइम मिले तब ना। आपको अभी तक कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है क्या? नहीं सॉन्ग क्या? बस होपफुली जल्दी प्रियंकित जल्दी दिखेंगे आपको एक साथ, बहुत जल्दी दिखेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सब्र एंड देन। प्रियंकित फैंस के लिए कुछ मैसेज? प्रियंकित फैंस को सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, और इतना सपोर्ट करने के लिए प्रियंका पल्टन एंड प्रियंकित फैंस सभी को मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू।